ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर वन है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए। नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अश्विनी सरोही। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की जनता का जताया आभार, कार्यकर्ताओं को बताई जीत की केमिस्ट्री, विपक्ष को दी नसीहत। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी, राहुल गांधी को मिला पार्टी में बदलाव के लिए फ्री हैंड। राजस्थान पुलिस के जज्बे को सलाम करता हर्षोल्लास से बना पुलिस दिवस, बीजेपी ने ली सशस्त्र परेड की सलामी। और प्रदेश में श्रद्धा भाव से मनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि, पीसीसी में पुष्पांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद काशी आकर जनता का आभार जताया। पीएम मोदी सुबह करीब 10 बजे बनारस पहुंचे थे, उनके साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी थे। काशी पहुंचने के बाद पीएम मोदी करीब 11 बजे बाबा विश्वनाथ मंदिर गए, जहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और हस्तकला संकुल पहुंचकर काशी के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मंच से कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं के आदेश का पालन करते हैं और कार्यकर्ताओं का आदेश सिर माथे पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की जीत गुणा भाग गणित से अलग केमिस्ट्री है। पीएम ने जीत का श्रेय देश की जनता और कार्यकर्ताओं को देते हुए जातिवादी राजनीति करने के लिए विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव अंकगणित का नहीं केमिस्ट्री का था। पीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की राजनीति में हमें अछूत समझा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि पूरे देश में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। कई राज्यों में पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई, शायद ही पार्टी को अपने इतने बुरे प्रदर्शन की उम्मीद रही होगी। इसी कारण पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी के अंदर बदलाव करने के लिए अधिकृत किया है। वहीं मीडिया से अनुरोध किया गया है कि वह संगठन की पवित्रता को बनाए रखने में मदद करे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्य समिति विचारों के आदान प्रदान और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक लोकतांत्रिक मंच है। मीडिया के एक धड़े में आने वाले अनुमानों, अटकलों, शिलालेखों और अफवाहों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार, असम अध्यक्ष रिपुन बोरा के बाद अब पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने इस्तीफे की पेशकश की है। इससे पहले अशोक चौहान, राज बब्बर और कमलनाथ ऐसा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से सपा बसपा गठबंधन के नव निर्वाचित सांसद अतुल राय को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार कर दिया है। राय पर वाराणसी की एक छात्रा के दुष्कर्म और अपहरण का आरोप है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि वह राय को गिरफ्तारी से राहत देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं है। इससे पहले भी अदालत राय को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट देने से मना कर चुकी है। कॉलेज की छात्रा की शिकायत पर 1 मई को राय के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। वाराणसी की रहने वाली छात्रा ने आरोप लगाया है कि राय अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कहकर उसे घर ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। राय के वकील का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए न्यायालय ने गिरफ्तारी से छूट का अनुरोध करने वाली राय की याचिका 8 मई को ठुकरा दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अग्रिम जमानत याचिका को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। दरअसल निचली अदालत ने वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को 1 अप्रैल को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। एजेंसी का कहना है कि अदालत ने कानूनी पहलुओं को अनदेखा करते हुए वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी। जस्टिस चंद्रशेखर के सामने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई हुई। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद लोन के ब्याज दरों में और कमी हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक 6 जून को इसके बारे में घोषणा कर सकता है। इस दिन केंद्रीय बैंक अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा।
पहली बार रेपो रेट 25 के गुणांक में कम नहीं होगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक 35 बेसिस पॉइंट तक की कमी कर सकता है। केंद्रीय बैंक अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर रहा है जिससे बाजार में पूंजी की तरलता कायम रहे। अभी रेपो रेट 6% पर है। दास ने कहा कि वो रेपो रेट पर फैसला लेंगे कि उनको और कम किया जाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। हालांकि अगर किसी और पार्टी की सरकार बनती है तो फिर ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला भी ले सकते हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इलाके में उनकी पहचान पीएस गोले के तौर पर है। राज्यपाल गंगा प्रसाद ने यहां पलजोर स्टेडियम में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। चुनाव मैदान में नहीं उतरने के कारण गोले इस समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। उनके साथ एसकेएम के 11 विधायकों ने भी शपथ ली। गोले की अगुवाई में एसकेएम ने 24 साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने वाली चामलिंग सरकार को हराकर हालिया विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। स्टेडियम में मौजूद एसकेएम के हजारों समर्थकों ने नेपाली भाषा में शपथ ग्रहण करते समय 51 वर्षीय पार्टी प्रमुख का उत्साह बढ़ाया। पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के वरिष्ठ नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं की। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद चर्चित विधायक अल्पेश ठाकोर ने उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन पटेल से मुलाकात की। अल्पेश की मुलाकात से गुजरात की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। अल्पेश ठाकोर और धवल सिंह झाला मुलाकात के बाद रवाना हो गए। अल्पेश ठाकोर द्वारा बीजेपी ज्वाइन करने के कयास लोग दोबारा लगाए जा रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर राधनपुर सीट से निर्वाचित हुए थे। उन्होंने गत 10 अप्रैल को यह दावा करते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था कि वह और उनके ठाकुर समुदाय को कांग्रेस की ओर से अपमान और धोखा मिला है। ठाकुर ने यद्यपि न तो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से और न ही विधानसभा से ही इस्तीफा दिया है। वह ठाकुर समुदाय के संगठन ठाकुर सेना के प्रमुख भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के दौरान रडार वाले बयान पर अब इंडियन एयर फोर्स के एक शीर्ष अधिकारी का साथ मिला है। वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडिंग इन चीफ रघुनाथ नाबियार ने कहा कि घने बादलों से रडार के सटीक तरीके से विमानों की पहचान करने में बाधा आती है। नाबियार ने कहा कि यह सही है कि रडार से सटीक तरीके से विमानों की पहचान करने में घने बादलों का कुछ प्रभाव पड़ता है। इससे पहले सेना प्रमुख बिपिन रावत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रडार वाले बयान पर उनका बचाव कर चुके हैं। रावत ने केरल में दिए अपने बयान में कहा था कि कुछ रडार अपने काम करने के तरीके के कारण बादलों के पार नहीं देख पाते हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बालाकोट एयर स्ट्राइक पर पूछे गए सवाल के दौरान कहा था कि ऑपरेशन से पहले मौसम अचानक खराब हो गया था। एक पल मन में आया कि अब क्या करेंगे। किसी ने कहा तारीख बदल दी जाए। मैंने सोचा कि इतने बादल हैं तो एक फायदा है कि हम रडार से बच सकते हैं और बादलों का फायदा भी मिल सकता है। मैंने कहा इसी मौसम में ऑपरेशन को अंजाम दीजिए। पीएम मोदी के इस बयान की आलोचना भी हुई थी। विपक्ष ने इस बयान का जमकर मजाक उड़ाया था। वीजा विस्तार के आवेदन को नामंजूर किए जाने पर नाराजगी जताने वाली पद्मश्री सम्मानित जर्मनी की फ्रेडरिक रीना ब्रूनिंग के वीजे की अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। गौसेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित सुदेवी ने बताया उनकी समस्या का समाधान हो गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के हस्तक्षेप के बाद उनका वीजा अवधि को बढ़ाया गया है। वीजा बढ़ाए जाने के बाद देवी ने कहा कि वीजा संबंधी मेरी समस्या का समाधान हो गया है। मुझे बताया गया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मेरे मामले का संज्ञान लिया। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं निश्चिंत होकर गौसेवा कर सकूंगी। खाकी वर्दी पर अक्सर भ्रष्टाचार, अपराधियों से दोस्ती और थानों में यातनाएं देने सरीखे दाग लगते हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का जज्बा भी है। राजस्थान में पुलिस के इसी जज्बे को नमन करने के लिए राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया। आरपीए परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीजीपी कपिल गर्ग ने परेड की सलामी ली। सेरेमोनियल परेड में सेंट्रल बैंड की मधुर ध्वनियों के साथ राजस्थान पुलिस की टुकड़ियों ने डीजीपी कपिल गर्ग को सलामी दी। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 उपनिरीक्षकों, 2 सहायक उपनिरीक्षकों, 6 हेड कांस्टेबलों व 44 कांस्टेबलों को पदोन्नति दी गई। इस अवसर पर 3 सर्वश्रेष्ठ थानों को पुरस्कृत भी किया गया। दरअसल राजस्थान का गठन 22 छोटी बड़ी रियासतों और 6 ठिकानों के एकीकरण के साथ हुआ। राज्य के गठन के बाद तत्कालीन राज्य प्रमुख की ओर से राजस्थान पुलिस के एकीकरण के लिए 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस अध्यादेश 1949 के जरिए राजस्थान पुलिस का एकीकरण किया गया था। हमारा संवाद के
कुछ पुराने तरीके हैं जो आपके जानकारी में हैं, हम अपने फील्ड यूनिट्स को यहाँ से पत्र भेजते हैं, रेडियोग्राम भेजते हैं और वो हमारे अधीनस्थ जो पुलिस अधिकारी हैं उन तक पहुँचाते हैं। पहुँचने में थोड़ा समय लग जाता है। आज के युग में सूचना तुरंत पहुँच पाए इसके लिए राजस्थान पुलिस अनेक अभिनव प्रयास कर रही है, जिसमें से एक है पुलिस रेडियो। ये एक्चुअली वास्तव में एक एफएम या एएम टाइप का रेडियो नहीं है, ये डिजिटल रेडियो है जो उनको एक ऐप के माध्यम से सुनने को मिलेगा, एक नोटिफिकेशन मिलेगा, वो सुन भी सकते हैं, अगर मैसेज लिखे था तो पढ़ भी सकते हैं और अगर हमने कोई फ़ोटो भेजी तो उसे देख भी सकते हैं। तो ये हम इसमें विभिन्न चैनल बना सकते हैं, जो उस चैनल को बनाएगा वो ही उस पर संदेश दे पाएगा, एक तरफा संदेश है। परंतु यदि कोई इस पर रिएक्शन देना चाहता है, कुछ वापस लिखना चाहता है, तो उसके लिए व्यवस्था है कि संदेश भेजने वाला अधिकारी अगर उसको ये अलाउ करता है तो वो उसकी ईमेल पे संदेश भेज पाएगा। रेडियो पे, रेडियो एक तरफा होता है जैसा आप जानते हैं, उसमें दो तरफा संवाद नहीं है, इसीलिए इसका नाम हमने पुलिस रेडियो दिया, डिजिटल रेडियो है। देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। प्रदेश कांग्रेस ने भी पंडित नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर जिला और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए याद किया। इस दौरान जिला और ब्लॉक स्तर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा, पुष्पांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हुआ। यहां पुष्पांजलि कार्यक्रम और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वैभव गहलोत और पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर भजन प्रस्तुत किए गए, साथ ही विभिन्न धर्म गुरुओं ने कुरान की आयतें, गुरवाणी और बाइबिल का पाठ किया। कांग्रेस जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर और नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रामनिवास बाग में भी नेहरू जी की प्रतिमा पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समाचार पत्रों से जानकारी मिली है मुझे भी कि एक सरकार के मंत्री ने इस बात की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपना त्याग पत्र दिया है। जहाँ तक सवाल नैतिकता का है और आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का है, ये पार्टी के स्तर पर, शीर्ष स्तर पर CWC में जो हमारी सर्वोच्च बॉडी है, कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं ने इस बात के लिए कि जो जनादेश आया है उसका बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया है और उसके साथ में अपना त्याग पत्र भी दिया है। कांग्रेस कमेटी जो हमारी सर्वोच्च बॉडी है वो इस पे चिंतन और आत्मविश्लेषण करेंगी। ऐसी परिस्थितियां और चुनौतियों से कांग्रेस पहले भी बुरी है, 77 का वो दौर हम नहीं भूल सकते जब हमारे शीर्ष नेतृत्व इंदिरा जी जैसे कृष्णमाई नेता था वो भी चुनाव हारा, पार्टी का विभाजन भी हुआ और 80 में कांग्रेस पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ में जनता ने आशीर्वाद दिया। ऐसी स्थितियों में इम्तिहान आए हैं, पार्टी भी टूटी है, नेतृत्व भी हारा है, लेकिन पार्टी अपनी नीतियों से कभी समझौता नहीं करती। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार। ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर 1 है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।